राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राधा अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस वर्ष यानी 2024 में राधा अष्टमी 11 सितंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो जो हमारी राधा रानी जी हैं, इनका जन्म नहीं हुआ था, प्रकट हुई थी ये, तो इनका प्रकट्य दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, राधा अष्टमी के दिन मंदिरों में सुबह 4 बजे मंगला आरती के समय राधा रानी का अभिषेक कराया जाता है और पूजन किया जाता है। लेकिन हम जो गृहस्थ लोग हैं, वो राधा अष्टमी के दिन दोपहर में 12 बजे राधा रानी का अभिषेक कराते हैं और पूजन करते हैं। जैसे जन्माष्टमी की पूजा रात को 12 बजे की जाती है, उसी तरह से राधा अष्टमी की पूजा दोपहर में 12 बजे की जाती है। ठीक है, अब जान लेते हैं और पूजा कैसे करनी है, इसका तो डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। राधा रानी का सुंदर सा श्रृंगार करना है, कलश स्थापना की जाती है, अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से अभिषेक करेंगे। जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया था, वैसे ही राधा रानी का अभिषेक करेंगे। उनको अरवी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि अरवी अति प्रिय है राधा रानी को। नीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि नीला रंग राधा रानी को अति प्रिय है। बाकी अगर नीले रंग की पोशाक ना हो तो कोई भी पोशाक पहना सकते हैं। और सुंदर सा श्रृंगार करके राधा रानी का पूजन किया जाता है। जब भी आप राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का पूजन करें, तो राधा कृष्ण जी का साथ में पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तभी प्रसन्न होते हैं जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं। और राधा रानी तो बिना भगवान श्री कृष्ण के कोई पूजा स्वीकार करती ही नहीं है, तो इसलिए राधा कृष्ण का पूजन राधा अष्टमी के दिन किया जाता है। अब जान लेते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना है, क्योंकि व्रत को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए, राधा अष्टमी के व्रत 3 प्रकार से किए जाते हैं। पहला जो तरीका है, उसमें राधा अष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को व्रत किया जाता है। सप्तमी तिथि को पूरा दिन व्रत किया जाएगा और राधा अष्टमी के दिन सुबह सुबह 4 बजे मंगला आरती करके, राधा रानी का अभिषेक पूजन करके व्रत खोल लिया जाता है। यानी सुबह 4 बजे मंगला आरती करेंगे, राधा रानी का अभिषेक करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे और उसके बाद प्रसाद से व्रत खोल लिया। जो लोग इस तरीके से व्रत करते हैं, जो लोग एक दिन पहले व्रत करते हैं, वो 11 तारीख की राधा अष्टमी है तो 10 सितंबर को ही व्रत करेंगे। 10 सितंबर को पूरा दिन व्रत करके 11 सितंबर को राधा अष्टमी के दिन सुबह 4 बजे राधा रानी को भोग लगा के, यानी राधा रानी का अभिषेक पूजन करके भोग लगा के उस प्रसाद से फिर व्रत खोल लेंगे। ये पहला तरीका है व्रत करने का। दूसरा तरीका है कि कुछ लोग राधा अष्टमी के दिन पूरा दिन व्रत करते हैं। दोपहर में राधा रानी का अभिषेक कराते हैं 12 बजे, उन्हें भोग लगाते हैं, आरती करते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर अपने व्रत का पारण करते हैं, यानी फिर वो व्रत खोल लेते हैं। तो कुछ लोग राधा अष्टमी के दिन पूरा दिन व्रत करते हैं और शाम को चंद्रोदय के बाद फिर वो व्रत खोल लेते हैं। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो ये है कि कुछ लोग राधा अष्टमी के दिन व्रत करते हैं, सुबह व्रत का संकल्प कर लेते हैं, उसके बाद व्रत करेंगे, दोपहर में 12 बजे राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक करा के उन्हें भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, मतलब राधा रानी का पूजन करके उसके बाद उस प्रसाद से अपना व्रत खोल लेते हैं, यानी 12 बजे तक का व्रत करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं राधा अष्टमी का व्रत करने के। पहले में सप्तमी के दिन व्रत किया जाता है, दूसरे में अष्टमी के दिन व्रत किया जाता है, और तीसरा जो तरीका है उसमें दोपहर में 12 बजे तक व्रत किया जाता है। 12 बजे पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। राधा अष्टमी का व्रत करने के ये तीनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी तरीके से व्रत कर सकते हैं, लेकिन राधा अष्टमी का व्रत आप जरूर जरूर करना, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत करने से ही जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण होता है। तो इस तरह से राधा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। और देखिए, राधा अष्टमी के दिन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हो सके तो भोग में अरवी की सब्जी आप जरूर जरूर बनाएं, क्योंकि हमारी राधा रानी को अरवी की सब्जी बहुत बहुत पसंद है। और राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी को नीले रंग के वस्त्र पहना के उनका श्रृंगार करके पूजन करें। पूजन का डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसमें मैं पूजा करके दिखाऊंगी, कलश स्थापना भी करके दिखाऊंगी, तो आप वहां से समझ आ जाएगा आपको ना। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है, अगर आपके पास राधा रानी की सेवा नहीं है
और आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी राधा रानी का स्वरूप देके, राधा रानी की तरह तैयार करके राधा अष्टमी के दिन उनका पूजन कर सकते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी का स्वरूप देके राधा अष्टमी का पूजन करती हूँ। राधा रानी का स्वरूप कैसे देती हूँ, उनका कैसे श्रृंगार करती हूँ, इसका डिटेल वीडियो आगे आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे एक बार जरूर देखना। और बहुत सुंदर लगता है हमारे लड्डू गोपाल जी राधा रानी के स्वरूप में, कृष्ण राधा को अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक ही हैं। तो आप जब भी आपके पास राधा रानी का स्वरूप ना हो तो आप लड्डू गोपाल जी या भगवान श्री कृष्ण जी को राधा रानी का स्वरूप देके राधा रानी के रूप में उनका पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी राधा रानी दोनों की सेवा है तो फिर आप दोनों को एक साथ अभिषेक कराएं, दोनों का सुंदर श्रृंगार करें और राधा कृष्ण की दोनों की एक साथ आप पूजा करें। राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की एक साथ पूजा करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है, तो आप इनका पूजन जरूर जरूर करें। वैसे तो राधा अष्टमी की पूजा में कलश स्थापना करना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं या किसी और कारण से पूजा में ज्यादा टाइम नहीं लगा पाते हैं तो बगैर कलश स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। ये तो सारे डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, संपूर्ण विधि, सरल विधि सब आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और राधा अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, आई होप इस विषय पे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।